Hi everyone, welcome back to my channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज के इस वीडियो में हम बात करें डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर की। तो यहाँ पर CUET PG 2024 यानी PG एडमिशन्स की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 24 तारीख से ये स्टार्ट है। आप सभी ने रजिस्ट्रेशन तो कर ही दिया है, 20 तारीख लास्ट डेट थी और कट ऑफ का इंतजार सभी बच्चे कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाली हूँ। ऑफिशियल कट ऑफ यूनिवर्सिटी ने आउट कर दिया है, तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको जो है 24 तारीख को ऑफलाइन काउंसलिंग में पहुंचना है। आज 21 तारीख है, डेफिनेटली काफी सारे बच्चे परेशान होने वाले हैं। कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आप लोग इतनी दूर दूर से आओगे और आप एकदम से रिजर्वेशन के लिए परेशान होगे, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बट ये डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की फॉल्ट है कि टाइम पे इन्फॉर्म नहीं करा, कट ऑफ भी आज रिलीज करा। बट अब जो कुछ भी है, फटाफट से कल आप तत्काल में रिजर्वेशन लो और परसों जो है आप निकल आओ, जिससे कि आप 24 तारीख को जो है मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाओ एनी हाउ, समझ गए। तो मैं आपको पूरा बता देती हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इवन मैं आपको यही बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, किसको आना है, किसको नहीं आना है, और दूसरी बात कैसे आना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प रहे जो भी बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करी हुई है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर जाते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है एडमिशन में पीजी कट ऑफ ऑफ मार्क्स एंड शेड्यूल। तो यहाँ पे ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये पीडीएफ रहा, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुन लेना क्योंकि आप दूर दूर से आओगे, कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक भी आपको जो है भारी पड़ सकती है, तो हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कॉल्ड फॉर काउंसलिंग आर मोर देन द टोटल सीट्स अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम, देयरफॉर मियर कॉल फॉर काउंसलिंग डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट टू गेट एडमिशन। यानी कि मान लो वहां पे लिखा है कि आपके 150 नंबर से ऊपर है तो आपको आना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 150 से ऊपर जितने बच्चे आएंगे सबको एडमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू रिपोर्ट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम एट द मेंशनड वेन्यू, मेंशनड डिपार्टमेंट में आपको जाना है। एप्लीकेंट हु डू नॉट गेट एडमिशन ऑन द डेट एंड टाइम ऑन विच दे आर कॉल्ड फॉर, दे विल बी अलाउड टू अपियर इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग। मान लो कि आप लोग नहीं अपियर हो पा रहे हो उस दिन, ठीक है, तो आपको आगे वाली काउंसलिंग के लिए, सेकेंड काउंसलिंग के लिए अगर सीट्स वेकेंट हुई तो बुलाएंगे, आपके लिए रिजर्व करके नहीं रखेंगे। जो पहले आ गया, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, ठीक है, जो आ गया उसको सीट मिलेगी, अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आपको सेकेंड काउंसलिंग में ट्राई करना पड़ेगा अगर सीट बचती है तो। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, कट ऑफ से ऊपर हैं, तो कैसे भी करके आ जाओ। नहीं आ पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नॉट एबल टू अटेंड द काउंसलिंग, आपको कोई क्लोज रिलेटिव हो, आपके पेरेंट्स आ पा रहे हो, या फिर कोई भी गार्जियन आपका जो आसपास में हो वो आ पा रहे हो, तो उन्हें भेज दो, बट आपके नाम पे कोई ना कोई वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को भेज दो, भाई बहन को भेज दो, रिलेटिव्स को भेज दो, दोस्त मत भेजना, फ्रेंड्स नहीं चलेंगे, फ्रेंड्स को अलाउ नहीं करेंगे, रिलेटिव, गार्जियन, पेरेंट्स या फिर आपके ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, और रियल ब्रदर एंड सिस्टर, आप ऐसे और किसी को ज्यादा जो है दूर गए हैं उनको भेजोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़े पास के रिलेटिव्स को भेजना इजी रहेगा, फ्रेंड्स मत भेजना, फ्रेंड्स को तो भगा देंगे वो, समझ गए, ठीक है। फिर लिखा है द NTA स्कोर मेंशनड इन द मेरिट लिस्ट द रिस्पेक्टिव PG प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर NCC एंड NSS सर्टिफिकेट। इसमें एक्चुअली NCC और NSS सर्टिफिकेट के मार्क्स अभी जोड़ के नहीं आए हैं, आपका जो मार्क्स है यहाँ पे लिखा है आफ्टर एडिंग द मार्क्स NCC और NSS सर्टिफिकेट के मार्क्स एड करने के बाद में 5% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव C सर्टिफिकेट, अच्छा, एंड 4% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ एंट्रेंस विल बी एडेड, ठीक है, और 3% ऐड करेंगे जिनका जो है A सर्टिफिकेट है, मतलब आपका मेन NCC का सर्टिफिकेट A BC इनके आपको मार्क्स मिलेंगे, और इसमें 3% आपके मेन एंट्रेंस के मार्क्स ऐड होंगे, इसमें 4% और इसमें 5%, ठीक है, इसके हिसाब से जो है आपको फिर वहां पे बुलाया जाएगा फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन 1 NCC। तो अगर जैसे आपके पास में एक से ज्यादा NCC का सर्टिफिकेट है तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का होगा वो परमिट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपके 2-3 सर्टिफिकेट है तो सब काउंट हो जाएंगे,
कंसिडरेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स एज अनरिजर्व, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी है लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं तो आपको पहले यूआर की सीट दी जाएगी, समझ गए, पहले यूआर की सीट दी जाएगी फिर उसके बाद में बाकी की सीट भरी जाएंगी। द प्रोविजनल लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर रेस्पेक्टिव प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन, ठीक है, स्कोर के हिसाब से है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ध्यान से सुनना, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल टीसी माइग्रेशन, ओरिजिनल टीसी माइग्रेशन, क्लास टेंथ की आपको अपनी मार्कशीट लेके जानी है। अब एक बार ध्यान से सुनना, मान लो आपको अभी तक आपके एग्जाम नहीं हुए तो आपके पास टीसी और माइग्रेशन अभी नहीं होगा, तो आप ये बात जो है या तो अपने कॉलेज वालों से एक लेटर ले आओ कि हमें आप एक लेटर लिख के दे दो, अगर वो नहीं देते तो फिर आप बिना इसके आ जाओ यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देना कि सर अभी हमारे एग्जाम ही नहीं हुए हैं, एग्जाम नहीं हुए हैं तो हमें जो है टीसी माइग्रेशन नहीं मिल सकता है, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको, ठीक है। फिर ओरिजिनल मार्कशीट लेके आना आपके क्वालिफाइंग एग्जाम की, सारे यूजी वाले जितने भी हैं सेमेस्टर वन से लेके सिक्स सेमेस्टर तक, फोर्थ सेमेस्टर तक या फिर फिफ्थ सेमेस्टर तक, अगर रिजल्ट अवेटेड है तो मतलब आपके पास में या तो फोर्थ या फिफ्थ तक की तो मार्कशीट पूरी होंगी, ठीक है, आपके फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट अवेटेड है तो चलेगा, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नॉन क्लियरेंस ऑफ पेपर एंड पास्ट अवेलेबल सेमेस्टर्स। पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया समर्थ पोर्टल पे ऑनलाइन, वो भी उसका भी प्रिंट लेके आना, ठीक है। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म और पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया उसका भी प्रिंट आउट लेके आना। कैटेगरी सर्टिफिकेट किस किस को लाना है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वालों को ये सर्टिफिकेट लेकर आना है। इनकम सर्टिफिकेट किसको लाना है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और यूआर, ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। बाकी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं जिनकी कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है वो कुछ भी वो मत लेके आना, इनकम सर्टिफिकेट उसकी जरूरत नहीं है। और अपडेटेड वाला इनकम सर्टिफिकेट लेके आना, बाकी कैटेगरी वालों को बता रही हूँ, एक्सपायर्ड मत लेके आ जाना, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज डिफेंस पर्सन, एक्स सर्विस मैन, एनसीसी, एनएसएस वाले सब लोग अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाना। फोर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना, चार पासपोर्ट साइज फोटोज इंपॉर्टेंट है। सेल्फ साइन जेरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स करा लेना, उन सबको साइन कर लेना खुद, जैसे इसमें यहाँ पे साइन है, हर पेपर पे अपना साइन कर देना, ठीक है। सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप, अगर आपका गैप हुआ है, आप ड्रॉपर हो, आपने गैप लिया है बीएससी के बाद में, तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, वो आप नोटरी से एफिडेविट, इंस्टेड ऑफ नोटरी एफिडेविट, देखो यहाँ पे एक बहुत चीज ये कंफ्यूजिंग लिखी हुई है, इंस्टेड ऑफ नोटरी एफिडेविट, भाई आप एफिडेविट ही लेके जाना, खुद से लिखा हुआ और साइन करके ले जाओगे ना, लास्ट ईयर भी यही किया था, लिख दिया था इंस्टेड ऑफ नोटरी एफिडेविट, लेकिन वहां पहुंचे तो वहां पे जो काउंसलिंग में बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो नोटरी एफिडेविट ही चाहिए आपका, ये खुद से लिखा हुआ लेटर नहीं चलेगा, तो भाई एफिडेविट भी लेके जाओ और खुद से भी लेटर लिख के ले जाओ कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कितनी भी दूर से हम आ रहे हैं हमें ये वाली प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो आप अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा के नोटरी से वो लेकर जाओ, क्लियर है बात। फॉर डॉक्यूमेंट्स इफ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है, द प्रोविजनल एडमिशन मे बी गिवन सब्जेक्ट टू द कंडीशन टू प्रोसीजर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कॉपी एट द सेम, ठीक है, मतलब ये आपके पास मान लो टीसी माइग्रेशन नहीं है तो आपको एक वो डेट देंगे, लास्ट डेट देंगे कि इसके पहले आपको सबमिट करना है, अगर उस डेट के पहले सबमिट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ गए। अब कट ऑफ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, कट ऑफ का क्या सिस्टम है। तो यहां पे दिया हुआ है, थोड़ा सा साइज में छोटा कर दूं, सबको देखना चाहिए, ओके। सबसे पहले तो एमए एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एमए, ठीक है, ये दिया हुआ है, सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट जितनी भी लोगों ने फॉर्म भरा है सब पहुंच जाना। एमए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी सभी को बुला लिया है। एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे बच्चे पूछ रहे थे कि जियोलॉजी का कट ऑफ क्या होगा, तो यू आर अप टू 198, यानी अगर आपके 198 तक नंबर है तो आप जा सकते हो, 198 या 198 से ऊपर, 198 से एक नंबर भी नीचे है तो मत जाना, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। फिर EWS अप टू 186, OBC अप टू 177, SC 132, ST 142 और डिफेंस वालों को सबको बुलाया है। माइक्रोबायोलॉजी में URK अप टू 94, काफी कट ऑफ नीचे गया है इसका। EWS 86, OBC अप टू 74, SC 68, बहुत कम कट ऑफ गया, ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कट ऑफ ज्यादा जाना चाहिए लेकिन
पता नहीं क्यों इसमें बहुत ही कट ऑफ नीचे गया है। एसटी में सबको बुला लिया है, कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा इसीलिए। फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी कट ऑफ काफी नीचे गया है, अप टू 98, ईडब्ल्यूएस अप टू 74, ओबीसी अप टू 77 और एससी एसटी डिफेंस में सबको बुलाया है। बॉटनी एमएससी यूआर सभी को अप टू 55, ये तो और ही नीचे कट ऑफ गया है, बहुत ही लो मार्क्स में आपको यहाँ पे मिल रहा है। और बाकी कैटेगरी में आपने अगर रजिस्टर किया तो सब चले जाना, तो जो पहुंचेगा उसको मिल जाएगी सीट, समझ गए। एमएससी केमिस्ट्री अप टू 44 यूआर के लिए, बाकी कैटेगरी के सभी जितने भी रजिस्ट्रेशन किए सब जाओ। एमकॉम कॉमर्स वाले में भी सबको बुलाया है। एमसीए वाले ध्यान देना, एमसीए में अप टू 77 यूआर, 57 ओबीसी, यूआर ईडब्ल्यूएस 57 ईडब्ल्यूएस, 60 ओबीसी और बाकी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स। एमए क्रिमिनोलॉजी में भी सबको बुलाया है, यूआर में बस दिया है 72 मार्क्स तक के ही बच्चे जा सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स ऑल रजिस्टर्ड, एमएड ऑल रजिस्टर्ड, एमए इंग्लिश ऑल रजिस्टर्ड। ओके नाउ सी दिस वन, एमएससी फॉरेंसिक साइंस। मैंने कहा था एमएससी फॉरेंसिक साइंस का कट ऑफ हाई जाता है, आई टोल्ड यू गाइज। तो यहाँ पे यूआर का फर्स्ट काउंसलिंग में 203 गया है, आई थिंक अभी तक में ये सबसे हाईएस्ट है किसी भी कोर्स का, और इतना हाई कट ऑफ नहीं गया है। एमएससी फॉरेंसिक साइंस का ही इतना हाई कट ऑफ जा रहा है और भाई इसमें सीट जल्दी भर जाती है, केवल 25 सीट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस में यूआर वाले बच्चे, अगर आपका 203 या 203 प्लस है तो आप जाओ, अगर एक नंबर भी कम है तो मत जाना, टाइम वेस्ट मत करना, मेहनत मत करना, सेकेंड में ट्राई करना, ठीक है। फिर अप टू 175 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, अगर आपके 175 तक मार्क्स हैं यू कैन गो। फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले, ओबीसी 187 तक वाले सब जाएं, 187 से ऊपर है तो बिल्कुल जाएं, डेफिनेटली जाना चाहिए। फिर इसके बाद में एससी 181 और एसटी 185। नाउ सी यहाँ पे बिल्कुल मेजर डिफरेंस, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कट ऑफ है, बाकी सभी का कट ऑफ हाई है। और डिफेंस वाले अगर हैं तो वो सारे चले जाएं, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। फिर एमए एमएससी ज्योग्राफी में भी सबको बुलाया है, एमए हिंदी में भी सबको बुलाया है, एमए हिस्ट्री में, यूआर में अप टू 51 और बाकी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। जर्नलिज्म में जो है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। एलएलएम का सुन लो, अप टू 106 यूआर का, ईडब्ल्यूएस अप टू 80, फिर ओबीसी अप टू 85 और 84 जो है आपका ये वाला, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है हम चेक कर लेते हैं, एससी और एसटी में सबको। फिर एमलिब में भी सबको बुलाया है, एमए लिंग्विस्टिक, एमए एमएससी मैथमेटिक्स, एमए हिंदुस्तानी म्यूजिक सबको बुलाया है, एमए परक्यूशन म्यूजिक, सब चले जाओ, समझ गए। एम फार्मा की बात करें तो यूआर में अप टू 76, ईडब्ल्यूएस में अप टू 56, ओबीसी 47 और इनमें सबको बुलाया है। एमए फिलोसफी सब पहुंच जाना, ठीक है। एमएससी फिजिक्स में अप टू 88 यूआर, 67 ईडब्ल्यूएस, 59 ओबीसी और बाकी के ऑल। एमए पॉलिटिकल साइंस यूआर का 82 और बाकी सबको बुला लिया है। एमए पब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑल रजिस्टर्ड। एमए एमएससी साइकोलॉजी में यहाँ पे यूआर का कट ऑफ 185 है और बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में सबको बुलाया है और ओबीसी में 161 है बाकी के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। एम ए रूरल डेवलपमेंट पहुंच जाना सभी, एम ए संस्कृत सभी पहुंच जाओ, एम ए सोशोलॉजी पहुंच जाओ, एम ए उर्दू सब पहुंच जाओ, योगिक साइंस सारे बच्चे पहुंच जाओ। एम एस सी जूलॉजी में मार्क्स दिए हैं 61 दिया है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस सभी पहुंच जाना, 33 दिया है यहाँ पे ओबीसी, ये सब पहुंच जाना, एसटी का अप टू 50 दिया है। फिर ये जितने भी हैं एमपीए, एमएसडब्ल्यू, एमए, एमएससी, एमएससी स्टेटिस्टिक्स, पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स, एमबीए टूरिज्म, ओ वाओ एमबीए में भी सारे बच्चे बुलाए हैं, यानी एमबीए वाले बच्चों आपका जो है यहाँ पे अगर आपने होटल मैनेजमेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म में अप्लाई किया यानी आपको सीट मिल जानी है, पहुंच जाना, समझ गए। फिर एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट में अप टू 85, अप टू 45 ये है आपका यूआर, ये ईडब्ल्यूएस, ये है आपका ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, ठीक है। तो एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट इसमें थोड़ा सा रहता है यानी कि कंपटीशन, तो अप टू 99, अप टू 69, अप टू 71, ठीक। फिर एमबीए ह्यूमन रिसोर्स में अप टू 82, 37, 55, एमबीए मार्केटिंग के लिए 76, इसमें ईडब्ल्यूएस ने सबको बुलाया अप टू 26, बहुत ही लो कट ऑफ है, आई मीन दिस इज लाइक अनएक्सपेक्टेड, इतना कम कट ऑफ कैसे हो सकता है पता नहीं, लेकिन है तो आप चले जाना, ठीक है। एलएलबी में यूआर कैटेगरी के 148,
ठीक, पहला कट ऑफ आया है 148 या उससे ऊपर है तो चले जाना। ईडब्ल्यूएस 138, ओबीसी 125, ये 110 और ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कट ऑफ की बात हमने कर ली। अब मैं एक बात बताऊं कि आप अगर चाहते हो कि मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प करूं, स्पेशली फॉरेंसिक साइंस के जो बच्चे हैं, तो मैं उस काउंसलिंग के दिन आपका आपको कॉलेज में मिलूंगी। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ आप सभी की हेल्प के लिए। बस मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन बच्चे आ रहे हैं और कौन चाहते हैं कि मैं वहाँ पे आऊँ, सो आई विल बी देयर फॉर यू गाइज। और बाकी आपको समझ में आ ही गया है, जो भी प्रॉब्लम है कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जिनका कट ऑफ से नीचे मार्क्स आया है स्पेशली फॉरेंसिक साइंस में, वो बिल्कुल दुखी मत हो, इसके बाद कट ऑफ गिरेगा, अभी सेकेंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस अपडेटेड रहना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रहना। ओके, तो यही अपडेट था। बाकी के जो भी अपडेट आते हैं डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय से रिलेटेड, वो आपको इसी चैनल पे मिलते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके साथ हूँ, आपकी पूरी हेल्प करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।